मेहंदी रच गई मेरे हत्था विच तेरा नाम दे माया छेती डोले लेके आजा डोलना डोलना। नहीं उनको एक गिफ्ट भी मिलेगा, सोनी दी बताएंगी। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। नहीं, जब किसी दो गधों की शादी हो रही होती है। ओए लखनीत, हम यहाँ पर हो रहे हैं रेडी और दोनों के दोनों मुझे रेडी करा रहा है, अभी भी लूज है। इतनी पतली कमर किसने बोला है? ठीक है, इतना मैं डांस करूंगी। दीदी मेरा लहंगा पकड़ लेना, जैसे मैं डांस करूंगी। प्रैक्टिस करें, पकड़ो लहंगा। अरे हमारा डांस होगा कि मेरा लहंगा गिर गया तो वो पकड़ो, मैं डांस कर रही हूँ। कर मैं दिखाऊंगी, तुमसे बहुत प्यार है, मैं ऐसे करके डांस करूंगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा किसी को। हेलो गाइज, थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार दिया आपने। इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मैसेजेस किए, यूट्यूब पर बहुत सारे कमेंट किए। इनफैक्ट कुछ कमेंट्स का तो मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, पता नहीं क्यों ले रखा है, कहीं पोस्ट नहीं करने वाला, लेकिन बस पढ़ रहा हूँ उनको तो बड़ी तसल्ली सी हो रही है। सो अब हम लोग रेडी हैं, बस बुआ जी के घर निकल रहे हैं यहाँ से। देखो मैं व्लॉग बना ही रहा हूँ और बुआ जी का क्या है ना, कल रूबी की शादी है तो इसीलिए ना आज अपनी तरफ से कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करना था। मतलब शॉपिंग वॉपिंग के सिवा भी यार, क्योंकि फर्ज बनता है हमारा। आज हमारे इन बड़े लोगों का आशीर्वाद है कि आज हम सब कुछ काम कर पा रहे हैं, बाबू जी का आशीर्वाद है, तो हमारा भी कुछ बनता है कि यार कुछ फर्ज है कि मेरी बहन की शादी हो रही है तो मैं भी अपनी तरफ से कुछ करूँ। हर भाई का ड्रीम होता है, लेकिन वो ये ना कि मतलब मैं ले जाके कुछ जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन मैं और नीतू करना चाहते हैं वो हम जाके पापा को देंगे, पापा के हाथों से दिलाएंगे, क्योंकि पापा ऑब्वियसली घर के सबसे बड़े हैं और मतलब मेरा तो जो कुछ होगा वो पापा के थ्रू ही होगा। तो मैं अभी जाके वो कॉन्ट्रीब्यूशन पापा को दूंगा, पापा को बोलूँगा वो अपने हाथों से दें, क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ अभी कि खुद से जाके दे दूँ। बट थैंक यू, आपने बहुत सारे मैसेज किए, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। आजा आजा, लिया 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 लिया, तेरा बाहर वाला रूम में दिखा नहीं सकता अभी तक भी, लिया ठीक है ले जाऊँ। हाँ तो मैं पाई को लेकर आ रहा हूँ। हाँ ये पाई के हाथ से जाना चाहिए ना। हाँ पाई को। और गाइस एक चीज़ देखो, इसने भी कंट्रीब्यूशन करा है, मतलब इसका तो बेचारे का थोड़ी खस्ता हालत है, बट फिर भी मुझे देख के बहुत अच्छा लगा मैम। मतलब ये जो है ना सेंस ऑफ बिलोंगिंग के हम तीनों की तरफ से है ये। थैंक यू, थैंक यू, ऐसी रही हो। हमारे भाई आ गए, हमारे घर से पूरा भाग का सामान एक साथ जाएगा। वाह आज तो वाइट पहना भाई ने, भाई ने कोट पहना, वो ब्लेजर डाला ना ऊपर। अच्छा भाई नमस्ते, ये बुआ जी के लिए। अच्छा ठीक है, ठीक। ये 1,00,000 रुपए लखन ने दिए। हे गाइस वेलकम बैक टू लखनीत व्लॉग्स, और मैं और सोनी दीदी बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन आपको पता है जैसे कि लखन का मूड काफ़ी ऑफ है और मैंने लखन को बहुत सारे ऑप्शंस दिए थे, लेकिन लखन का मन नहीं है ठीक से कुछ गेटअप होने का। बट मुझे भी सैड फील हो रहा है, लेकिन हम अपनी किसी भी वजह से दूसरे का फंक्शन नहीं ख़राब कर सकते, इसलिए मैंने लखन को बहुत, मैंने और दीदी ने बहुत फोर्स किया और बोला कि चलो फंक्शन में चलना है और स्माइल करनी है पूरा टाइम, तो हम वही करने वाले हैं। बाकी मैंने पहना है ये बहुत ही प्यारा सा आउटफिट मैस के लिए, तो आप माफ़ी कर देना, पीछे हमेशा ऐसे ही रहता है मेरा। हाँ जी, अब आप मौसी के घर चले जाना और अपना ध्यान रखना, ठीक है। वैसे एक बात बता रही हूँ मैं आपको, सच में जब से ये पूनम दीदी के पास रहने लगे ना जा जाके, ये दोनों इतने खराब हो गए हैं, आई मीन सोते ही रहते हैं पूरा टाइम, पूरा टाइम सोते रहते हैं। ये देखो अभी अंगड़ाइयाँ लिया जा रही है। चलिए दीदी ऑलरेडी, आपने हाथ में दिखाना क्या पहना आपने। बाय गाइस, चंदो इधर ही है, सैंडी जा रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। पूनम दीदी इन दोनों का ध्यान रखना कि लखन साइड है, मगर मैं लखन को लेकर जा। लखन आ जाओ, लखन। ओके दीदी, सी यू, बाय। गाइस हम निकले ही हैं घर से। लखन आओ, हम निकले ही हैं और देखा कि बारिश हो रही है, धूप में बारिश को बोला जाता है जब किसी दो गधों की शादी हो रही होती है। अरे रूबी की अरे रूबी दीदी की शादी कल है ना, आज किसकी शादी है? अच्छा, लेकिन ऊपर कोई कुछ और ना कर रहा हो, ये जो पड़ रहा है ना आसमान से नीचे पड़ रहा है। लक्सू चले, चलो सी यू। तो बस अब हम निकल गए। हेलो दीदी चले, पानी की बोतल भी आ चुकी है, अब हम निकल रहे हैं मेहंदी के लिए। और दीदी आप मेहंदी लगवाओगे आज? मैं भी लगवाऊंगी, मेरा भी मन है मेहंदी। कितनी लगवाओगे? छोटा सा समझ कर रही है, पत्थर भी पड़ सके क्यूट सा अपनी तरह। मैं तो पूरे हाथों में लगवाऊंगी, मेरा मन है, मैं चूड़ी निकाल दूंगी आधे, ताकि मेहंदी अच्छे से लगा पाऊँ। मेहंदी लगाना बहुत पसंद है और मेहंदी से ज्यादा तो आलता पसंद है। बस 2 मिनट में हम पहुँच गए। सोनी दीदी कहाँ गई? दीदी का है। चलो अंदर चलते हैं गाइस। 1 2 3 4 कांग्रेस मेरी बहना को। आज तो लग रही पतली सी, क्या कुछ खाया नहीं कल से? यार मेरा 2 किलो वजन कम हो गया। ऐसे क्यों वो वजन नहीं घटा? फिर वो तुम्हारी मशीन खराब हुई है। दोनों भाई एक जना मुंह पे फूल मार रहा था। कौन है वो? कहा है इतना गुस्सा लेके ऐसे मारा मेरे पे 2-3 बार। मेरी बहनें इतनी प्यारी प्यारी सी हैं। भाई भाई ये बंदा हमारा पागल हो गया। आ जाओ करेंगे हमारा। हेलो देखो बुआ कितनी प्यारी लग रही है यार। अरे बुआ तो है ही प्यारी। बुआ तो हमारी है ही। बुआ बहुत आशीर्वाद बना के रखती है, छोटी सी बुआ। चलो गुड़िया से चलो 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 चलो। आओ भाई सब जने पहले नाश्ता करो। आओ भाई सबको ऊपर लेके चलना है। सब तुम मुझे सोए रात में। अभी एनर्जी है आप लोगों में? अब सुबह से नहीं थी मुझ में, तो बिल्कुल नहीं थी भाई। मेरी भी शक्ल उतरी पड़ी थी। ये तो पैरों की मालिश हुई है आज। और सच में आपका मेकअप कर देते हैं। आप रेडी हो जाओ ठीक है। दीदी का लहंगा निकालो। अभी हमें नाश्ता करने के लिए बुआ ने बोला जाना है, लेकिन नीतू नहीं जा रही। तुम दोनों क्यों नहीं जा रहे हो? दीदी को रेडी कर रहे हैं। उन्हें कुछ खाया? रूबी कुछ लेकर आओ। ले यार इनके लिए। अरे कुछ भी क्या होता है भाई? कुछ भी का मतलब है कुछ भी पता नहीं, बस ऐसे पूछ के जा रहे हैं। कुछ भी का मतलब है सब खाना थोड़ा थोड़ा है ना। मैं सबके साथ ही खाऊंगी। मेरे घर का फंक्शन है अम्मा क्यों नहीं? भैया ये ताई जी है। मैं बचपन में ताई जी के पास ही रहता हमेशा। अच्छा तेरा बचपन मैंने तो देखा ही नहीं कभी। मतलब बहुत छोटा जब था, जब गोदी वाला था। अच्छा अच्छा वो वाला बचपन। मैं खेलता कूदता था, मेरे साथ ही रहता था। अरे साहिबा तो काम पे लग रहे हैं। हाँ मेरा ना काम ही चाय का भैया। चाय बांटता फिर भैया क्या काम है? हेलो भैया। अरे ये अपनी है भाई, ये तो इसी घर की है। पुनीत भाई ये तो नीचे बैठ जाए, ऊपर ना तेरा हाथ उसमें चला जाए किसी भी टाइम ना, बच जाएगा। इसकी आदत हो गई है ना। न्यू मेकअप आर्टिस्ट इन द टाउन। थोड़ी देर गेट लगवा दे तू। क्या मैंने वो अंदर अभी तैयार करा रही दुल्हन को। आ जाएगी तो अब तक फोटो करा लेंगे। सारी तैयारी हो गई है। हल्दी से पहले भात दिया जाता है। भात ही दिया जाएगा ना फिर। यह भात दिया जाता है। यहाँ पे सारा सामान रख दिया है सब। अब एक साथ बुआ को दिया जाए। भाई भात किसको दिया जाएगा? बुआ को, फूफा को या रूबी को? सबको। शादी में के लिए भात दिया जाता है। बुआ को हम सबको की रस्म होती है। ये रस्म होती है। बड़े फायदे हैं भाई। सबसे लास्ट बुआ को बोला तो बच्चा गई शुरुआत में। यार हमारी बुआ आज बहुत ही खुश लग रही है। सच्ची बहुत ही खुश हूँ मैं। ये किस लिए खुश? शादी के लिए खुश हो, भात के लिए खुश हो? भात के लिए खुश हूँ। मेरा भैया मेरे घर आया। अच्छा बड़ी खुशी तो ये है। पूरी फैमिली आई है। और दूसरी है आज मेरी लड़की की शादी। मेरा भैया मेरे लिए भात लेके। शोभा बढ़ाई। तुम्हारा गला क्यों बैठ गया? दरवाजे की शोभा। गाने गाए ज्यादा मैंने। भाई बुआ बहुत ज्यादा इसका मतलब बोल रही है। 2-3 दिन से इनका गले बैठा हुआ आज के दिन। बट बुआ के गले बैठने से सबसे ज्यादा सुखी कौन है बताओ? फूफा। बुआ का गला बैठ गया, कुछ बोल नहीं पा रही है। क्यों फूफा जी? नहीं आज मैं आके देखा फूफा जी मुस्कुरा रहे बिना बात। तो मैं तब मैं समझा नहीं, अब आके समझा। दोनों एक जगह बैठे। फूफा को बुआ अच्छी लग रही है आज। हाँ चुप चुप अच्छी लग रही है बस। चाचा कैसे हो? अब तो नीतू को वो उसको तैयार करा रही है। रूबी को भाई नीतू कभी उसको तैयार करने जाती, कभी बच्चे उसको पकड़ के बैठ जाते। जा ही नहीं पा रही वहाँ पे। आ जाओ कौन है? फोटो कराने के लिए टाइम की कुछ नहीं पता। कब लड़की आएंगे कब नीतू आएंगे। बच्चों ने लाइन लगा रखी है कब आएंगे। जैसे कि एक शहर पे मक्खी चिपकती है ना, वो वाला हिसाब हो रहा है यहाँ पे। तो मैंने कहा भैया कल आएंगे सब, कल मिलना सब। ये ना सब दोस्त सारे फ्रेंड्स सब फोटो खींच रहे। थोड़ा घूम जाइए। अच्छा यहाँ की बुआ, अगर कोई सी बुआ ना आई हो ना तो मुझे दे दियो, मैं पहुँचा दूँगा। अरे मैं पहुँचा दूँगा भाई। और बताओ बहुत चिल्ला भी नहीं सकती। अम्मा यहाँ आ जाएगी, वहीं लेके जाना पड़ेगा। अच्छा वहीं जाना पड़ेगा, अम्मा के लिए वहीं जाना पड़ेगा। बुआ की तो आवाज बैठ हो गई। आकाश भाई के पास वो लिस्ट है जिस लिस्ट में से नाम पढ़ पढ़ के सबको बुलाया जा रहा है। इतनी बड़ी लिस्ट है, सुनो इसमें एक नाम मेरा भी जोड़ दो। सामान जाएगा कट भी लगाते जा रहे हो, मेरा नाम तो है ही नहीं इसमें कहीं। तुझे मैं अकेले में दूंगा, खूब से मजाक। भैया थोड़ा सूना सूना सा है, नीतू का वेट हो रहा है, जल्दी से आ जाए वो। ओ भाई चप्पल नहीं चप्पल करके नहीं आना। चलो आगे बोलिए। अरे अभी आएंगे, अभी आ रहे। इलेक्शन ना रहे, इलेक्शन ना हो रहा। हाथ लगाओ, गिर जा गिर जा। हां सॉरी कहा ना दादा मुझे। अच्छा मैं तभी तो आई ऊपर डांट लगा रहे सब में। इधर मुंह करके इसे थोड़ी दूंगा डब्बू में। ये तो अपनी टीम में ही है। हाँ जी हाँ जी। किसको बुलाना है बुआ जी? अरे ये क्या बात हुई? चाचा बुलाया क्यों था फिर? पहले नहीं छोड़ दो अपने पास रखे। अच्छा मैं बुआ को दे दूंगा। चल नहीं तो हाथ लगा बुआ को। चले गए भाई हमारे, हो गया ना। तो और भी कुछ काम है क्या? रख लो और दे दो खाली। तो बुआ ने अब लिस्ट अपनी अलग रख दी। अब बुआ सिर्फ नाम ले लेके बुला रही, क्योंकि बुआ को जुबानी नाम याद है सारे। बुआ बिना लिस्ट के बुला रही हो ना? अब बिना लिस्ट के बुला रही हो सबको। ये देखो थैंक यू। एक साड़ी और वो एक जोड़ा। किसको देना किसको देना? मैं हाथ लगा देता हूँ इसमें। अलग है तो थार में रंजो, थार है मुझे पकड़ा। तुम ये लेकर आओ इधर प्लेट। दद्दू और किसको देना है? लाओ दद्दू। पुनीत पैसे निकाल रहा है इनमें से। निकाल रहा है पुनीत ने पैसे निकाल दिए इसमें से। किसमें से? इसमें से। ये तो मेरे। हाँ ये दे लीजिए बुआ। अब नाम वाला सिस्टम खत्म। बुआ थक गई बेचारी, बुआ का गला तो बैठ गया नाम लग रही थी और कुछ में प्रॉक्सी लग गई। देते रहो लो। मेरा हाथ तो लगवाओ इसमें बीच में। मेरा हाथ लगवाओ, हाथ लगा ले, हाथ लग जाएगा। अच्छा मैं तेरे में हाथ लगा। अर्जुन अब कैसे? हाँ। थोड़े से रहते हैं सभी। भाई हाथ लगाना जरूरी है। इतना खराब है तू यार। इसमें 4 के नोट उठाए। सच में नोट उठा ले रहा है एक में बीच में। नोट मैंने नहीं उठाए, पुनीत उठा रहा। दद्दू पुनीत नाना जी 2 और देता। 2 साड़ी कपड़े 2 कुछ नहीं है। 200 रुपया ज्यादा हिसाब देना बना है। बकवास मत कर, तेरे मैं देख रहा हूँ सब। नहीं हो रहा है। दद्दू प्लेट खाली पहुँच गया आगे। 2 वापस कर दिए, 2 वापस भी दो। ये पैसे किसको? अरे हमारे पैसे उतार के हमें ही तो दो। मुझे दे रही थी। लखन पकड़। अब ये किसको देना? बुआ जी देखिए। लो बुआ जी मैं तुम्हें दे दूँ। मेरा तो यहीं से ले लो, बार फिर हम कर देंगे। हमारा भैया है। हाँ हमारा भैया। उसको तैयार करना है ना रूबी को। दीदी उसको तैयार कर दो। पता नहीं नहीं क्यों एक अजीब सा हुआ। आज बहुत सारे लोग मैसेज पढ़े थे, बहुत अच्छा लगा मुझे, एनर्जी मिल जाती है लोगों से बात करके। कोई ऐसा सोचना भी नहीं ना, अगर माइंड में भी लाए तो ये गाँव में जाऊंगी। आते जाते पकड़ पकड़ के, ये मेरी छोटी बहन है, ऐसे मिला के खुशी ना हो। नंदे मिल ही रहे बहुत सारे। हाय 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 कैसे? मुझे ये पता भी नहीं था कि मतलब आप लोग यहाँ से हो लोकल से, फिर धीरे धीरे देखते देखते ये पता चला कि आप लोग यहीं से हो। और अब मैं पिछले 10 दिनों में रोज यहाँ से जाती हूँ, पर मेरी हिम्मत लड़ने रो रहा है। हाँ, पर इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम यहाँ आए और आपसे मिलके बात। अरे आप तो हमारे घर पर भी आओ प्लीज। नहीं सच में बहुत अच्छा लगेगा। आपकी उधर भी शादी है? हाँ हमारे सबको पता है, सबको मैं बताती हूँ। आप लोगों के लिए हम अननोन है, लेकिन हमारे लिए आप बिल्कुल भी अननोन नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि और सारे चैनल की दुनिया, नीतू बिष्ट, तो खाली नीतू भाभी को देखती हूँ। मैंने किसी को ना फॉलो करना ना मैं देखती जो है मैं क्लियर नहीं, क्योंकि देखो हमें झूठ बोलने के लिए क्लियर मना है। हमारे यहाँ झूठ बोलने का वही लखन भैया को ज्यादा देखते हैं। मैं नहीं देखती किसी और को भाई, जो है मैं साफ बोलती हूँ। मुझे तो पूरा फैमिली अपना फैमिली लगती है भाई। ये हमारे दूल्हे की माता जी है, सबसे स्पेशल तो यही है। आज तो आज केशव हमें दोबारा तो नहीं कहूँगा, तिबारा चौबारा क्या आज भाई केशव फोटो ले। गिनती याद ना है। 17-16 ट्रू वाले वो होते है ना, कट्टर वाले फॉलोअर, उनमें से। डीएम रोड पे खड़ा हो जा, वही गाड़ी देखता रहा कौन सी 94-95 जा रही है। 94-95 साल मना दो। ये बताओ आप अपनी वाइफ को क्यों नहीं लेकर आए? आज भी गाँव के सब लोग आए हैं, आप इनके साथ मत रहना, वरना आप भी जब आपकी शादी होगी आप भी अपनी पत्नी के साथ यही की सलाह लोगे। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कल मिलेगी वो। मैं तो भाभी को इतना भड़काऊंगी। खैर मुझे आता नहीं है भड़काना, लेकिन तब मैं ट्राई करूंगी। ऐसा करना की पिटे नहीं, ऐसे किसी को पिटता हुआ, चाहे मेरा कोई दुश्मन भी क्यों ना, मैं पिटता हुआ नहीं देख सकती किसी को। गाइस क्यों बाहर बैठो? आओ नमस्ते। अरे दीदी बैठो उधर बैठो। तुषार भाई बैठो। अरे मैं नीचे बैठ गई, बन गई है ना तभी को के मैं बता रहा हूँ। इसने देखा सब तो ऊपर है, बैठ के चैटिंग कर रहा होगा। अरे नहीं मैं ऐसे, तू सुधर जा, तुझे जानता हूँ भाई। बंकू की एंट्री हो गई, हमारे ताना डीजे की एंट्री हो गई। अपना नाम पता जल्दी से, सही से बता, पूरा नाम बता। काना रोना पुलिस की बराबर आवाज आ रही है बाहर से। लड़ाई हो गई क्या? आप बीच में आओ ना। स्कूल में पूछा नहीं, पूछा किसने पूछा? क्या बोले? अरे कहाँ थी आप? लकी गरम करा के लाई हूँ, देख हुआ। मैं तो एक खाता ही नहीं हूँ। हम दोनों साथ हाँ। अरे बस बेटा बन नहीं रहा। तो ये अपने आपको बोलते हैं असली सास हूँ। असली माँ हूँ इसकी, बहुत अच्छी है। और असली सास हूँ इसकी, और असली माँ हूँ उसकी। वो बैठी। हम लोग आपको स्टोरी पता है ऑलरेडी, जो हमारे पुराने व्यूअर्स है, कि हम लोग बचपन में साथ साथ ही मतलब रहते थे एक ही घर में। और ये बहुत प्यार से रखती थी, है ना। थैंक यू आंटी। अब इनको फोन भी कराते रहोगे, कुछ खिलाओगे पिलाओगे भी भाई। अरे बुआ जी ये लोग इतना तो प्यार करते हैं, तो आए लखनीत तकनीत चिल्लाते हैं। ये मैं तो कह रहा हूँ रात तक भी खड़ा रहकर मैं खड़ा रहूंगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कड़ी चावल खाए मेरे हाथ से आप, मैं फिर खाना आ जाऊँ किसी भी दिन। अरे कब जब बना दूंगी। सबको पता है मुझे शुरू से कड़ी चावल बहुत पसंद है। तो अभी लंच का टाइम हो गया, अब जाके देखते क्या क्या तैयारी है। आ जाओ। अब बहुत लेट आए। नहीं हम तो आ गए अभी। कब आ गए? दिखे ही नहीं गई ऊपर, तो ऊपर गए हैं। अरे तो अच्छा मैं तब तक नीचे आ गया था, फिर मेरी गलती। ना 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 तुम ऊपर, हमें देखा हम नहीं पड़े, हमें आप पड़े। तो आप मुझे आवाज लेके बुला लेते आ जाता दादा वही। अरे वाह भाई वाह। भाई बुआ को ना मेरा टेस्ट पता है, सारा खाना वो लोग जो मैं खाता हूँ। छोले चावल कढ़ाई पनीर, हाँ, और ये पूरी खाता हूँ, कढ़ाई पनीर साथ में मिक्स वेज। सच्ची बता रहा हूँ मैं यही सारी चीजें खाता हूँ शादी ब्याह में जाके। आपने कितनी बार मेरी प्लेट भी देखी होगी। खाना शुरू होगा, पाई शुरू करेंगे खाना। चलो उतरो, चलो चलो हमने कर दिया। चलो ऑल सेट भाई। आते ही जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड थी खाना, कल भी साथ में खाना खाया था, मैं आज भी साथ में खाना खाना पड़ेगा। तेज बन के दिखा रही हो। पड़ेगा नहीं, तू मत कर इतना कष्ट मत ले तू। ये भैया आप ये सब रिकॉर्ड करो ठीक है। और क्या कर, रिकॉर्ड कर। मीठे में क्या आइसक्रीम मैं गए नहीं वहाँ तक, मतलब खाने ले लेके आया हूँ गाइस। मैंने एक प्लेट पूरी खत्म कर दिया, जो जो आइटम लेकर आया सब खत्म कर दिया। दूसरी प्लेट लेकर आया और नीतू छीन के बैठ गई इसको। पहली प्लेट उसने छीन ली मेरी, मैंने तो छीन ली ताकि मैं झूठा ना खा पाऊं। मैं उसको तो कुछ कह नहीं पाया, उसको हाँ हाँ प्लेट नहीं खाई, खाना खाया है। ये थोड़ी है यार, जब से इसने डेंटिस्ट वाला वो कराया ना कोर्स अपना, इसका दिमाग का कुछ हिल गया है। तो पहले जो है उससे चेंज कराया नहीं पता? अरे बुआ ने क्यों करा होता? हमारे शुरू से यही करता है। और बुआ वाले में इनकी मजबूरी अच्छी बनाना नहीं सामने रहे। नहीं मेरा तो बार बार यही है, मतलब मुझे बहन ही माने भाई वहाँ। और ऐसे अच्छा ये है ना, अच्छा फिर 1 2 1 मतलब बैठ हो गया, ये तो बैठ हो गया आपसे। फिर खड़े होंगे, फिर ये 2 बार, फिर ये फिर ऐसा है देखना। मुझे इसी टाइम पर बुलाया था हमें पूनम आ गई काफी पहले, बताकर भी नहीं आई, छुपा गए थे ना इससे। अब हम तो यहाँ बैठे, हम यहाँ पे देख रहे हैं नीचे। तेरे तो पैसे ऐसे दे देना यार, इसको मैं गेम खिलाने के लिए सोच रहा था और ये तो मेहंदी लगा के बैठी है। वैसे उसका उस गेम में ना हाथ का कुछ काम नहीं है, तो मैं बलून रखूंगा और तेरे को बैठ के फोड़ने बलून। ओके फोड़ देगी ना? हाँ बैठ के, पैरों से नहीं, बैठ के। पैर का कहीं और रख के आ जाऊँ मैं? चलेगी नहीं अभी, अभी ऐसे भाग ले तेरे को कुर्सी पे। नहीं जा फिर, चल हार गई तू पहले। अब बता भाई तुषार उस बच्ची की चुन्नी पहन के घूम रहा है, कितनी गलत बात है यार। देख ऐसे कलर की थी ना, हाँ ऊपर ही तो था ये पहन के, अरे इस कलर की थी ना चुन्नी। वो नहीं दे देंगे, दे देंगे कैसे? सुधर जा भाई सुधर जा। तो अब हम ऊपर आए हैं डांस करने। डीजे अरे यार बंगू का भाई कहाँ है? वो डीजे चलाएगा। इनका घूम रहा हूँ सुबह से, मुझे जूते पहनने का टाइम नहीं मिला। शादी में ऐसे होता है। हम लोग बैलून वाला यार, लाइट्स भी तो सेट करनी है यार यहाँ। बैलून का है पर पुनीत लाइट है ना, किसी ने बोला था कि उसके रूम में सारे वो रखे। भैया मेरे तो एक एक बात रिकॉर्ड करो आप, ठीक है? पता नहीं क्या हमारा डांस होने वाला है। ये बोलना मत यार, देखो पोस्ट करना यार। छैया भाई हमें मत देखो ऐसे, पागल हो गया। हमारा डांस बहुत मजेदार था, 3-4 मिनट टेक लेने के बाद मैं डांस किया, बट बहुत मजा आया, सच में बहुत मजा आया। अभी है गेम का टाइम, सारे बलून यहाँ पे आ चुके हैं। भाई बलून कहाँ है? उन्हें पीछे कहाँ है बलून? हाँ दीदी आप बता, एक्चुअली आइडिया सारे गेम के दीदी के, तो दीदी बताइए क्या करना है, बता। बस 1 मिनट फैला दे पहले बोला है फैला दे, तो भाई लगवा देना जल्दी, फिर वरना क्लियर नहीं दिखेगा। इसलिए लखन वैसे ब्लाइंड फॉलो होके खेलना है, गेम खेल लेना, लाइट में क्लियर तो आना चाहिए ना वीडियो में। सो गाइस फाइनली हमारा गेम स्टार्ट होने वाला, रूल समझाएगी दीदी। बहन आजा आप बता क्या क्या करना है। अच्छा लखन और नीतू की एक टीम है, ठीक है? हम दोनों की एक टीम है। अपने प्लेयर्स चूज करो, ओके? एक को नॉमिनेट करोगे कौन जाएगा ये टास्क करने के लिए, ठीक है? पहले हम टीम चूज करना है, फिर हमें ब्लाइंड फोल्ड करना है, जो भी तुम्हारी टीम से जाएगा उसे ब्लाइंडफोल्ड करना है। ब्लाइंडफोल्ड के बाद हम लोग उसे टाइम देंगे कि 20 सेकंड्स का उसके पास टाइम है, और हाथ यूज नहीं कर सकता, पर एक बलून फोड़ना है। और ये पैर से फोड़ दो, हाथ और पैर यूज करना है, बैठ कर फोड़ना है, ठीक है? ठीक है आप चलो एक काम करते हैं, जल्दी से प्लेयर्स छाटते हैं, ठीक है नीतू? ठीक है चलो लेडीज फर्स्ट, बता नेहा दीदी कंजी आप उधर जाओ भाई जिसकी टीम में हो। वंदना आजा। जयश्री कौन है? जयश्री आप आ जाओ। हरी आ जाओ। यशिका आ रही है, वो अभी यशिका आ रही है। गुनगुन अच्छा मैं लेता हूँ अपने में। आकाश भैया काम करा रहे हैं। पुनीत ले रहे हैं ना, पुनीत को आएगा वापस से। हाँ पुनीत को ले रहे हैं, वो तो चीटर है। काना तू उसको ले ले, भोला को। भोला जा इधर जा। आजा खान आजा तुम्हारी टीम में, तो अभी हमारी टीम है ठीक है। तुम्हारी टीम से मैच है, देखते कौन बलून फोड़ता है। लेकिन यार बम से कौन बलून फोड़ेगा, किसके इतने नुकीले होते हैं। किसी किसी का वजन होता है बहुत नुकीला। अरे वजन से फूट सकता है ये भी तो है। चलो स्टार्ट करें। पहले अपनी टीम से किसको बुला रही है बता। पहले मैं अपनी टीम से बुला रही हूँ दीदी को। दीदी को मैं भेज रहा हूँ गुनगुन को। आजा गुनगुन। ओ और भी बलून है अभी तो। भाई पुनित ने क्या करा है। अब इनकी आंखों पर पट्टी लगेगी पहले। कौन कौन है कहाँ है गुनगुन। नहीं नहीं दूसरी वाली टीम। अरे गुनगुन को तो जरूरत ही नहीं, चश्मा उतार दो मैं आपको बांधना है। बहन मुझे बांधना है तो मुझे बांधना नहीं आता ना। नहीं मेरी टीम में कौन है वो देख ही नहीं रहा है। मेरी टीम में नहीं हो तुम। मेरी टीम में ठीक है। दिख तो नहीं रहा। नहीं हाथ नहीं दिख रहा। कितना है इसने नहीं दिख रहा। नुकीले बम से सब फोड़ दियो। नेल से फोड़ूंगा। अरे तू तो मेरी में है ही नहीं, तुझे क्यों बोल रहा हूं। और नेल्स ये सब कुछ यूज नहीं करना याद रखना। डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, पॉइंट माइनस हो जाएगा। क्या हो रहा है ये क्या गेम है। अरे आ चलिए जल्दी मेरी टीम में। ये से आप खोलो, इसे आप खोलो दीदी। आ इधर उधर देख अपना नाम बता सबको। ये मैं करती हूं। मिस यशी। हां यशी आ गई। अरे मेरी टीम में दे दो। नहीं यशी मेरी टीम में है। आई मीन नीतू भाभी की टीम में। जीतना इसलिए ना दीदी, हरा देना इनको। ओके चलो करें स्टार्ट। ठीक है गाइस अब टाइमर लगाएंगे हम 20 सेकंड्स का। कहां जाऊं। अरे ये नीचे बलून है भाई, ऐसे तो पता लगा है बलून है। हट जाओ बाकी सब हट जाओ। अच्छा दोनों आ जाओ जरा जरा सब आ जाओ इधर। यार बहुत पास पास में रखे हैं। रुको यार गुनगुन जी जियो। गाइड नहीं करना, टाइमर करना भी। अभी इधर आ। अरे बस लोग चक्कर आ जाएंगे। स्टार्ट स्टार्ट। बम से बैठना है। ओ वाह नहीं होना चाहिए गाइस। अच्छा रुको रुको। अरे ये तो धमाका मच गया, धमाका। सुनो दीदी बैठी है उन्होंने सारे बलून बैठ के फोड़े हैं। मैं ऐसे इमेजिन करना है बैठ के फोड़ना है। दोबारा उसको उसको ब्लाइंड फोल्ड करो भाई। नहीं फोड़ना नहीं है यार, फोड़ो मत इनको। अच्छा ये वाला राउंड नीतू की टीम जीत गई, इसने आने फोड़ दिए। गुनगुन तूने हरवा दिया मेरे को यार। अरे मेरे को बताया नहीं। अच्छा कोई नहीं आ जाओ आ जाओ। ला गुनगुन ये खोल दे। आज मेरी टीम से जा रही है बंदा। मेरी टीम से कौन आ रहा है। मेरी टीम से कौन करना लेकिन चल बंदा मेरे को बांधने। ये तो मेरी टीम में नीतू बांधेगी। बहन उसको बांध। मैं तुम्हारी टीम में दौड़ूं। यार स्कोर ना बड़ा बेकार चल रहा है। नीतू के 1 हमारी टीम के 0। मैं किसकी टीम में हूं। नीतू भाभी बैट एक पर है, 4 फूट जा रहे हैं और हाथ टच ही नहीं करना है। धीरे धीरे बाकी सब बैठो, बाकी सब यहाँ पीछे पीछे पीछे। चीटर मैं देख रही हूँ, दिख तो नहीं रहा। आपकी टीम की है। मैं आपकी टीम की करेंगे स्टार्ट। 3, 2, 1 हो गया। मैंने फोड़े थे यार। हाँ ए तुम क्या हो भाई, तुम लोग बैट तो फोड़ देते हो एकदम से और 6-7 फोड़ रहे हो। गेम ही खराब कर दिया हमारा। सबसे पहले ये इसने फोड़ा था। ओ ये मेरी टीम में। वाह 1-1 हो गया, इक्वल हो गया भाई। अब लखन और नीतू की चांस। ठीक है आ जाओ भाई, करें स्टार्ट करें। गोल गोल घुमाएगा। मैं ऑल द बेस्ट। हार के ही आना। वो किसकी टीम में तू कौन बोल रहा है। आपकी टीम की है। सारे लूजर भर दिए मैंने। घुमाया और वहां फेंक दिया।